दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों एक बार फिर से माप के लिए 8 से 14 अप्रैल 2023 तक की 15 बड़ी भर्तियों की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 15 विभागों में बड़ी भर्तियों की अपडेट आ चुकी है। इन भर्तियों के फॉर्म भरना बिल्कुल मत भूलिएगा, सुनहरा अवसर निकला है। 8वीं 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट इन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे कि किन किन 15 विभागों के अंतर्गत ये भर्तियाँ निकली है, किस पोस्ट के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, क्या पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे आप इन सभी भर्तियों की नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो, कैसे अप्लाई कर सकते हो और कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों बिना कोई वक्त कमाए शुरू करते हैं 8 से 14 अप्रैल 2023 तक की टॉप 15 भर्तियों की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, जो यहाँ पर इसमें फर्स्ट नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है CRPF में। यहाँ पर कॉन्स्टेबल GD की बम्पर भर्ती की अपडेट है। 129,929 मेल फीमेल के लिए वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो CRPF.gov.in पोर्टल से। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इस भर्ती की शॉर्ट नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर कॉन्स्टेबल GD के लिए जनरल ड्यूटी के लिए 129,929 वैकेंसीज निकली है। 10वीं पास कैंडिडेट यहाँ पर इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात अगर सेकेंड नंबर जॉब की जाए तो वो निकली है SSC में। CGL एग्जाम के माध्यम से भर्ती होने जा रही है। 7,500 बम्पर वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, टैक्स असिस्टेंट इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, पोस्टल असिस्टेंट या सोर्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और भी अन्य पोस्ट है जो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। इनमें अपर डिवीजन क्लर्क की भी पोस्ट निकली है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे और भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत यहाँ पर ये भर्तियाँ भी निकली है। यहाँ पर आप पोस्ट वाइज सैलरी, क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की इन्फॉर्मेशन चेकआउट कर सकते हो। इस भर्ती के लिए आप 3 मई तक आवेदन कर सकते हो। ग्रेजुएट डिग्री धारक कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। यहाँ पर भी आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। SSC.NIC.in की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो थर्ड नंबर की जॉब है वो निकली है EPFO में। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट SSC और स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। 2,859 वैकेंसीज है। 26 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 12वीं पास और डिग्री पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 700 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से आवेदन कर सकते हो। recruitment.nta.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो फोर्थ नंबर की जॉब है वो भी CRPF में निकली हुई है। कॉन्स्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन मेल फीमेल के लिए 9,212 वैकेंसीज निकली हुई है। 25 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 21 से 27, 18 से 23 वर्ष आयु सीमा है। 100 रुपये फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हो CRPF.gov.in ऑफिशियल पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 5 नंबर पर जॉब निकली है वो निकली है भारतीय डाक विभाग में। स्टाफ कार ड्राइवर की पोस्ट है। 15 मई तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 56 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 6 नंबर की जॉब है वो भी इंडियन आर्मी भारतीय सेना में निकली है। CSBO सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर Grade 2 Group C की भर्ती है। 7 मई तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो indianarmy.nic.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 7 नंबर की जॉब है वो निकली है रेलवे में। यहाँ पर ALP की भर्ती है। 238 वैकेंसीज है। 7 अप्रैल से 6 मई तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास प्लस ITI से आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 42, 45, 47 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RRCjaipur.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 8 नंबर की जॉब है वो निकली है SBI बैंक में।
चैनल मैनेजर फैसिलिटर, चैनल मैनेजर सुपरवाइजर और सपोर्ट ऑफिसर की पोस्ट है। 1031 वैकेंसीज निकली है। यहाँ पर 30 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। यहाँ पर फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो sbi.co.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 9th नंबर की जॉब निकली है वो भी CRPF में निकली है। हेडमास्टर टीचर आया की पोस्ट है। 24 अप्रैल तक आप आवेदन कर सकते हो। इंटरव्यू की डेट 1 मई 2023 है। ग्रेजुएशन BEd BTC और 5वीं क्लास पास कैंडिडेट भी आया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 30 से 40, 21 से 40, 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 10th नंबर की जॉब है वो ITBP में निकली है। स्पेशलिस्ट डॉक्टर की पोस्ट है। 24 अप्रैल को इंटरव्यू अटेंड करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम 70 वर्ष आयु सीमा है। फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों जो 11 नंबर की जॉब है वो निकली है इसरो में। यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, ड्राफ्ट्समैन, हैवी व्हीकल ड्राइवर, लाइट व्हीकल ड्राइवर, फायरमैन की भर्ती निकली है। 24 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन चलेंगे। 10th पास ITI डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 25 और 35 वर्ष आयु सीमा है। यहाँ पर ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो IPRC.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 12th नंबर की जॉब है वो निकली है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी में। जूनियर इंजीनियर, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, ड्राफ्टमैन, अपर डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट है। 17 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 12वीं पास डिग्री डिप्लोमा धारक अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। 890-550 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो NWDA.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 13 नंबर की जॉब है वो निकली है RBI बैंक में। ड्राइवर की पोस्ट है। 16 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। 28 से 35 वर्ष आयु सीमा है। 450 फीस है। स्टाफ कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो RBI.org.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो यहाँ पर इसमें 14 नंबर की जॉब निकली है वो निकली है मेल मोटर सर्विस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में। स्किल आर्टिसंस की पोस्ट है। यहाँ पर 15 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 8वीं क्लास पास अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 वर्ष आयु सीमा है। 100-400 फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑफलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो india.post.gov.in पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों जो 15 और लास्ट नंबर की जॉब है वो निकली है यंत्र इंडिया लिमिटेड इंडियन ऑर्गेनाइज फैक्ट्री में। ट्रेड अप्रेंटिस के लिए 5395 वैकेंसीज है। 14 अप्रैल तक आवेदन चलेंगे। 10वीं पास और 10वीं पास के साथ में ITI से भी आप अप्लाई कर सकते हो। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। 200 फीस है। SST फीमेल के लिए 100 फीस है। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो yantrindia.co.in ऑफिशियल पोर्टल से। तो दोस्तों ये थी 8 अप्रैल 2023 से 14 अप्रैल 2023 तक की टॉप 15 भर्तियों की पूरी जानकारी। अगर आपको अब इन भर्तियों के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहीं से किसी भी भर्ती की ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई भी यहीं से कर सकते हो। सभी भर्तियों के लिंक आपको यहीं पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।